सत्य सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वेद और उस वेद का पहला शब्द मां, मां जिसकी गोद में इंसान क्या भगवान भी पलते हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि पूत भले कपूत हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अनेकता में एकता का देश हमारा हिंदुस्तान, जहां हर त्योहार आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है, उन्हीं त्योहारों में से एक छठ महापर्व जो पूरे उत्तर भारत में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है और जो दैवीय चमत्कारों से भरा पड़ा है, उन्हीं चमत्कारों की एक सच्ची घटना आज आप सबको सुना रहा हूं, जिसे आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं वेब म्यूजिक परिवार और आपका अपना रविराज। छठ मैया के चरण कमल में, छठ मैया के चरण कमल में अपना शीश झुकाते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया के चरण कमल में, छठ मैया के चरण कमल में अपना शीश झुकाते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। ये कहानी है उत्तर भारत के बिहार राज्य के सिवान जिले के बजरहिया गांव की, जहां पर बहुत समय पहले एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था। उस परिवार में बूढ़ी अम्मा का एक बेटा और उसकी बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठ माता की परम भक्त थी और हर साल पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ माता के व्रत को करती थी। मगर उसकी बहू नए विचारों वाली थी, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ महाव्रत को करने की तैयारी कर रही थी, बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था, बाजारों से पूजन का सामान ला रहा था। ये सब देखकर वो बहू अपनी सासू अम्मा पर हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा अरे ओ अम्मा जी, अरे दुनिया कहां से कहां चली गई, लोग चांद पर चले गए और आप अभी तक इन अंधविश्वासों में ही घिरी हैं। पढ़ी लिखी बहू की बातों का छठ माता की परम भक्त उस बुढ़िया माई पर कोई असर नहीं हुआ, वो तो बस अपनी धुन में मस्त थी। छठ पूजा करने को सासू माँ हुई तैयार रे, नई दुल्हनिया बोली ये सब है बेकार रे। तीन दिन उपवास करोगी पड़ोगी तुम बीमार रे, अंधविश्वास है ये छठ का त्योहार रे। भूखे रह के ना जाने क्यों, प्यासे रह के ना जाने क्यों, खुद को लोग सताते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। अब
अपनी नई नवेली बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी, मगर उसने अपनी बहू को समझाते हुए बोला, अरे बेटा, छठ माता के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मेरी बिटिया, मुझे बहुत दिनों से संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इसी छठ महाव्रत को किया तो छठ मैया ने मेरी पुकार सुन ली। और तुझे पता है बहू, तेरा पति भी छठ माता का दिया हुआ ही प्रसाद है, ये अंधविश्वास नहीं है, माता का तो कण कण में निवास है। मेरी बात मान, तू भी छठ व्रत को कर मेरे साथ, छठ मैया तेरी भी गोद जरूर भर देगी। मगर वो नए युग की बहू किसी की बात कहां सुनने वाली थी। वो मुंह टेढ़ा करके सासू अम्मा से बोली, पूजा पाठ नहीं करती मैं, मुझको कौन सा दुख है, सुंदर पति मिला है मुझको, हर प्रकार का सुख है। मौज मस्ती में रहती हूँ मैं, महल आलीशान है, पूरे गांव में कोई भी ना मुझसा धनवान है। कर्म प्रधान है इस दुनिया में, कर्म प्रधान है दुनिया में, बाकी बेकार की बातें हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं, सासू अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू के दिमाग में उसका असर नहीं हो रहा था। वो नास्तिक औरत बार बार छठ माता के बारे में बुरा भला बोले जा रही थी। ये देखकर उसका पति उसको समझाने लगा कि देखो प्रिय, ईश्वर और देवी देवता के प्रति अहंकार करना ठीक नहीं होता, तुम भी व्रत करने में माता जी का सहयोग करो। लेकिन बहू अपने पति का भी कहना नहीं मानी और कहने लगी, ना जी ना, मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। इतनी बात सुनकर उसका पति बोला, अरे ठीक है बाबा, तुमको जो करना है वो करो, मैं तो अब घास फूस साफ करके छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, ताकि मेरी माँ शाम को जाकर वहाँ पूजा कर सके। कुदाल पुत्र नदी के तट पर जाता है, छठ माता के पूजन हेतु सुंदर घाट बनाता है। पूजा का सामान बेटा बाजारों से लाता है, आम की लकड़ी जला के ठेकुआ माँ के संग छनवाता है। भक्ति भाव से माँ और बेटा, भक्ति भाव से माँ और बेटा छठ महापर्व मनाते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। बूढ़ी अम्मा आम के लकड़ी को जलाकर छठ माता के लिए ठेकुआ बना रही थी। उसका बेटा बड़े ही लगन से अपनी माँ के साथ हर काम में उसकी सहायता कर रहा था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपने घर और दरवाजे को गाय के गोबर से लीप रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी चप्पल पहनकर लीपे हुए स्थान से गुजरती है और कहती है, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है,
पूरे घर में गोबर गोबर लगा दिया। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसी गोबर की दुर्गंध आ रही है। उसने अपने पति से कहा, तुम और तुम्हारी माँ बड़े भक्त बनते हो। ये गोबर से लीपने का कौन सा त्योहार है? देखो जी, अब मैं कह देती हूँ, तुम्हारे बदन से भी बहुत गंदी बदबू आ रही है गोबर की। अब तो घर के अंदर आना तो नहा करके ही आना। अपनी बहू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा उसको समझाते हुए बोली, अरे मेरी बेटा, तुझे पता नहीं है, गाय के गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिससे घर को लीपने से बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। वो झुंझलाते हुए बूढ़ी अम्मा से बोली, पहले तो आम की लकड़ी को जलाकर खजूर और ठेकुआ बनाया और अब गोबर से पूरे घर को लीप के पूरा गुड़ गोबर कर दिया। ये देखकर उसका पति उसको समझाते हुए बोला, अरे बाबा रहने दो, तुम अम्मा से लड़ाई मत करो, चलो तुम भी तैयार हो जाओ, अब हमें छठ घाट की तरफ चलने का वक्त हो गया है। बैंड बाजा वाले को दरवाजे पे बुला के बाजा बजवाते चला दौरा उठा के। पीछे पीछे बूढ़ी माँ चली है गीत गाते, संग में बहू भी चली पर्स लटका के। मटक मटक राहों में चलती, मटक मटक राहों में चलती, लोग देख मुस्काते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया। बहू का मन ना होते हुए भी वो अपने पति और अपनी सासू अम्मा के साथ बैंड बाजा लेकर छठ घाट पर चली जाती है। मगर वहां पहुंचकर वो पूजा करने के बजाय मेला घूमने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसका पति उसको ढूंढते हुए जाता है तो देखता है कि वो तो गोलगप्पे की दुकान पर खड़ी है और मजे से गोलगप्पे उड़ा रही है। इतना देखकर उसका पति उससे बोलता है, अरे यार क्या करती हो तुम, यहाँ पूजा करने आई हो, कुछ देर तो माँ के साथ बैठ लो। पति की बात सुनकर पत्नी झुंझलाते हुए बोलती है, ए जी देखो, मैं पूजा वूजा करने नहीं आई हूँ, मैं घाट वाट पर बिल्कुल नहीं जाने वाली, मैं तो मेला घूमूंगी, जम के चाट और छोले खाऊंगी, आप अपना पूजा वूजा करो, मुझे पूजा पाठ से कुछ लेना देना नहीं। वहां पर खड़े गांव वाले इन दोनों के झगड़े को देख रहे थे और देखकर सब हंस रहे थे। बूढ़ी अम्मा का बेटा समझदार था, उसने सबके सामने अपनी पत्नी से बहस न करने का फैसला किया। वो भारी और उदास मन से छठ घाट की तरफ जाने लगा। छठ घाट के लिए जब वो ईख लेकर छठ घाट के पास पहुंचा, तब तक एक ऐसी घटना हुई जिसको देखकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कैसे? ईख खड़ा करने को बेटा घाट के पास में जाता है, करने को स्नान वो डुबकी जैसे ही लगाता है।
लगा जोरों से चिल्लाता है, कहाँ गया पानी के अंदर पता नहीं चल पाता है। कोई तो जाओ ढूंढ के लाओ, कोई तो जाओ ढूंढ के लाओ, लोग यही चिल्लाते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। ये बात जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चली कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वो छाती पीट कर रोने लगी। उसने छठ माता से सवाल शुरू कर दिया, अरे माँ, मैं माँ हूं, तू भी माँ है, तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया। माँ, जब से मेरी शादी हुई पिछले 30 सालों से लगातार तेरी पूजा करते आ रही हूं। बोल माँ बोल, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मेरे गोद को सुना कर दिया। बोल माँ, मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मुझसे मेरा लाल छीन लिया, मेरा निहाल छीन लिया। अरे मैं तो छठ घाट तेरे पूजा को करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी मेरी माँ। हे माँ, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल मुझे लौटा दो माँ। अगर तूने मेरे लाल को मुझे नहीं लौटाया तो आज तेरी ये बुढ़िया भक्त अपने बेटे के साथ नदी में कूद कर जान दे देगी। अब या तो तू मेरे बेटे को लौटा या मेरे भी प्राण ले ले माँ, मेरे भी प्राण ले ले। उधर मेले में लाउड स्पीकर पर सबको आगाह किया जा रहा था, हेलो हेलो, छठ पूजा में आए हुए सभी व्रतियों एवं दर्शनार्थियों को सूचित किया जाता है कि गहरे पानी के अंदर न जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्रती गहरे पानी के अंदर डूब गया। पानी में आगे बढ़ने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए आप लोगों को आगाह किया जाता है। ये छठ पूजा समिति आप लोगों को आगाह करती है कि आप सभी घाट के नजदीक से ही माँ का पूजन करें। धन्यवाद, जय छठी मैया। मेले में हो रहे अनाउंसमेंट को सुनकर बहुत दौड़ी दौड़ी जाती है। वहाँ जाने के बाद जब वो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार कर रो रही है और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसको सदमा लग जाता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, वो पागलों की तरह लोगों के कपड़े फाड़ने लगती है, लोगों के रखे हुए ईख को उठाकर फेंकने लगती है, चिल्ला चिल्ला कर अपनी बूढ़ी अम्मा से पूछने लगती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था बुढ़िया कि इस पागलपन में मत पड़ो, ये छठ वट सब ढोंग है, अंधविश्वास है, मगर तुम्हारे ध्यान न देने की वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। वो पागलों की तरह अपनी सासू माँ को बुरा भला बोलते हुए छठ माता को कोसने लगी। आगे क्या हुआ? छीना है सुहाग मेरा तो लेती जा निशानी, कोसे छठ माँ को सिंदूर धोवे बहुरानी।
गंगा जी का पानी तोड़ रही चूड़ियां सुहाग की निशानी। हाय बन गई विधवा एक सुहागन, बन गई विधवा एक सुहागन, आंसू न रुकने पाते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। इस घटना को देखकर जितने भी छठ व्रती थे सबकी सांसें रुक जाती है, सभी की आंखें नम हो जाती हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, और मन ही मन सब लोग छठ मैया को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। और छठ माता तो है ही दयालु, माता कभी अपने भक्तों को उदास नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और रोता हुआ नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में व्याकुल बूढ़ी माँ जैसे ही पानी के अंदर जान देने के लिए जाती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर किनारे की तरफ जोर से आती है, और उसी लहर के साथ उस बूढ़ी अम्मा का बेटा भी बाहर चला आता है और आकर किनारे लेट जाता है। इसके बाद वो लहर वापस नदी में चली जाती है। इस दृश्य को देखकर घाट पर मौजूद सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इधर अपने बेटे को पाकर वो बूढ़ी अम्मा मारे खुशी के रोए जा रही थी, और उसकी पत्नी भी अपने पति को जिंदा देखकर उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। ये सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों की तेज आवाज के साथ एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में छठ माता ने उस बूढ़ी अम्मा की बहू से बोला, मेरी पुत्री, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, इस घोर कलयुग में जो भी व्यक्ति मेरा व्रत और मेरी पूजा मन से करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। इतना कहकर छठ माता अंतर्ध्यान हो गई। घाट पर मौजूद सारे लोग छठ माता के नाम की जय जयकार कर रहे थे। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे कहीं भी रहें, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। साल में एक बार तन मन और लगन से छठ माता की पूजा जो लोग भी करते हैं, वो हमेशा सुखी और संपन्न रहते हैं। इस कथा के लेखक संजय तिवारी, साउंड इंजीनियर कैलाश डंडरियाल, मैक्स स्टूडियो दिल्ली, संगीतकार लवली शर्मा, गायक रविराज और वेब म्यूजिक परिवार की तरफ से आप तमाम देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय छठ मैया। बोला छठी मैया की।